आज का हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग स्पीक टू वाटर, पानी को बोलो या पानी को बोलना कैसे होता है। ये असल में अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग रीसेंट साइंटिफिक रिसर्च, क्योंकि ये 2014 की बात है कि जब तक ये जो शख्स है मासारू इमोटो ये क्या करता है, ये बुक्स लिखता है। उनमें से एक बुक जो है जिसका नाम है हिडन मैसेज इन वाटर, इसमें ये जिक्र करता है कि जब आप पानी को बोलते हो या आपके जो कॉन्शियसनेस है ह्यूमन के, वो जो पानी है उसके ऊपर असर करता है, जो पानी है उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर असर करता है। पानी का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाई हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। ये कौन कहता है? ये मासारू इमोटो कहता है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करता है और फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिकल टेस्ट है वो करता है, फिर उसके बाद फॉर्मेंस के बाद ये उन स्ट्रक्चर्स को देखता है। मिसाल के तौर पर ये जब पानी को थैंक्स कहा जाता है या फिर कोई शख्स किसी और को पानी दे रहा होता है और वहाँ पर थैंक्स के फीलिंग्स होते हैं, तो जो ह्यूमन की जो कॉन्शियसनेस है ना, थैंक्स की फीलिंग है, विजडम है, ट्रुथ है, ग्रेटिट्यूड है, मतलब जो भी है पॉजिटिविटीज, तो वो क्या करते हैं, वो जो ह्यूमन के असरात होते हैं, कॉन्शियसनेस के इफेक्ट होते हैं, वो उस पानी के जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर लेते हैं। कौन कहता है? ये शख्स जो है मासारू इमोटो कहता है। मतलब यह हुआ कि यहाँ तक हमने जो बातें अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, जो आपने सुनी, मैंने कही, आपने सुनी, और ये बातें क्या कहते हैं, इनका कहना ये है कि असल में जब हम पानी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो पानी का जो स्ट्रक्चर है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। तो ये बात यहां पर हमने ऑब्जर्व कर ली। अब ये थे टुवर्ड्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, मतलब से समथिंग गुड टू इट, कुछ इस पानी को जो है, कुछ भी मतलब आपके पास अगर आ रहा है अच्छा, वो इस पानी को कहते हैं। ये यहां पर साइंटिस्ट लोग जो है ये 2014 में तकरीबन यहां तक पहुंचते हैं, 2014 की बात है कि ये लोग यहां पर पहुंचते हैं और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए 1400 साल पहले की बात बताई गई हमें, 1400 साल पहले, 1400 प्लस ईयर्स अगो, बिस्मिल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह अकबर कहो, पानी को आप जो है वो पी रहे हैं, तब से हमें बताया गया है। मतलब ये कि इस्लाम इज द कोड ऑफ लाइफ, प्रैक्टिकल उदखुल फिस्सिल्म काफा। अगर हमने अपने आप को जानना है, अपनी ज़िंदगी को जानना है, what we need to do is उदखुल फिस्सिल्म काफा, इस्लाम में दाखिल होना है पूरा पूरा। अल्लाह मुझे, आपको और हम सब को इस्लाम को समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इंटरेस्टिंग।